आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। देखिए, दुनिया में कई लोग क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को विज्ञान का वरदान मानते हैं, लेकिन भारतीय फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बताता है कि अगर इसका मिसयूज हो या कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिलाओं और मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है, डेंजर भी है। इस खतरे की गंभीरता को समझकर रश्मिका को यह कहना पड़ा कि यह हर महिला की मर्यादा के खिलाफ बहुत बड़ा खतरा है। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, रश्मिका मंदाना की तरह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कहा है कि यह गलत सूचनाओं का सबसे खतरनाक और हानिकारक रूप है AI। कहानी सुनिए। रश्मिका मंदाना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यह खतरा एक डीप फेक वीडियो के वायरल होने के बाद जताया। दो तस्वीरें देखिए आप, असली वीडियो, नकली वीडियो, चेहरा बदल दिया गया। देखिए, असली वीडियो आपको ऊपर जो नजर आ रहा है वो असली वीडियो है, और नकली वीडियो देखिए वो रश्मिका मंदाना का चेहरा लगा दिया गया। इस डीप फेक वीडियो में किसी दूसरी महिला के चेहरे पर रश्मिका का चेहरा चिपका दिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक महिला लिफ्ट में एंट्री ले रही है जिसका चेहरा बिल्कुल रश्मिका की तरह है, यानी रश्मिका का मॉफ्ट वीडियो है, यानी कि असली वीडियो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जारा पटेल का है। ठीक है, दो तस्वीरें देखी आपने, ये वीडियो जारा पटेल ने खुद इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इस वीडियो पर रश्मिका का चेहरा लगा दिया गया और वायरल करा दिया गया। नकली वीडियो, असली वीडियो बहुत कम लोगों ने देखा, नकली वीडियो मतलब 5G की स्पीड से वायरल हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का नाम है डीप फेक वीडियो। वैसे ये टूल कोई नया नहीं है, लेकिन इसके शिकार होने वालों में अभिनेत्री रश्मिका मंदाना नई जरूर है। डीप फेक का खतरा यह कि इसके जरिए किसी और के शरीर पर आपका चेहरा लगाकर वायरल करा दिया जाता है, और डेंजरस बात यह कि दूसरे लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक टूल का शिकार हो गए, और आप मतलब दुनिया भर को समझाते थक जाएंगे कि वीडियो में आप नहीं है, वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई और है। यही हुआ रश्मिका के साथ, यही इस फेक वीडियो के वायरल होने के बाद रश्मिका के साथ हुआ। स्थिति हो गई कि रश्मिका को खुद सोशल मीडिया पर बताना पड़ा भाई कि वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है वो कोई और है, वो मैं नहीं हूं। रश्मिका ने लिखा कि ये बात शेयर करते हुए काफी दुख हो रहा है कि मुझे डीप फेक वीडियो पर बात करनी पड़ रही है। अगर ये तब होता जब वो स्कूल या कॉलेज में होती तो समझ नहीं आता कि मैं इससे कैसे निपट पाती। यही नहीं, ये देखिए दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, नकली और असली, फर्क आप पहचान नहीं पाएंगे। और इसके बाद महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने भी रश्मिका का डीप फेक वीडियो एडिट करके ये इस तरह से सर्कुलेट करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। अमिताभ बच्चन ने कहा कि हाँ, ये कानूनी रूप से मजबूत केस है। आगे बढ़िए, रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और जिस प्लेटफॉर्म पर यह डीप फेक वीडियो वायरल हुआ उसे IT नियमों के तहत कार्रवाई करनी होगी। डीप फेक वीडियो के जरिए आपने इससे पहले कोई पहली बार नहीं, आपने कभी कभी देखा होगा ना कि महात्मा गांधी को गाना गाते हुए इस तरह से देखा होगा आपने, तो कभी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क को मामूली इन्वेस्टमेंट प्लान बेचते हुए ये सब चेहरा चिपका दिया जाता है मॉफ्ट तरीके से। डीप फेक वीडियो के जरिए मशहूर अभिनेता टॉम हैंक्स को डेंटल प्लान के बारे में भी आपने बताते हुए देखा होगा। लेकिन देखिए, मजाकिया और शरारती डीप फेक वीडियो से आगे बढ़े तो ऐसे वीडियो महिलाओं की मर्यादा के खिलाफ ये एक तरीके का बहुत बड़ा डिजिटल हथियार है, बहुत बड़ा डेंजर बनकर उभरा है, जिसका एहसास अब हुआ। एडल्ट कंटेंट के लिए डीप फेक टूल का इस्तेमाल करके डीप फेक टूल से मशहूर महिलाओं के पॉर्न वीडियो, महिलाओं से दुश्मनी निकालने के लिए AI का इस्तेमाल कई बार। इसका सबसे डरावना उदाहरण कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सामने आया था, जब एक लड़की ने इंटरनेट पर खुद की तस्वीर ढूंढने की कोशिश की, तब उसे पता चला कि इंटरनेट पर उसके चेहरे वाले अश्लील वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तब पता लगा। 2019 में डच AI कंपनी सेंसिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें कहा गया था कि इंटरनेट पर, सुनिएगा, 96% ऐसे अश्लील सामग्री है जो डीप फेक वीडियो टूल का इस्तेमाल करके बनाए गए। ज्यादातर वीडियो महिलाओं के खिलाफ बनाए गए हैं, उनकी सहमति के बिना बनाए गए हैं। अब सोचिए, रश्मिका मंदाना एक बड़ी अभिनेत्री है, सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, वो अपनी बात दुनिया को समझा सकती हैं। लेकिन स्कूल कॉलेज की कोई आम लड़की अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डीप फेक टूल का शिकार होती तो क्या होता? अगर सोशल मीडिया पर किसी का झूठा वीडियो वायरल हो जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आप भी चीज को ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करते वक्त सावधान रहें,
ध्यान रखें कि किसी भी इंसान का डीप फेक वीडियो बनाने के लिए ना उसकी 5 या उससे ज्यादा तस्वीरों की जरूरत होती है। तो फिर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तस्वीरों की स्टडी करके इन्हें सॉफ्टवेयर की शक्ल में स्टोर कर लेता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भाई सोशल मीडिया पर ना आप वही तस्वीरें डालें जो जरूरी हो। सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को पब्लिक करने की जाए उसको प्राइवेट रखें। अननेसेसरी ये चीज आप ना करें। ये एक वेकअप कॉल था सोसाइटी के लिए। आगे बढ़ेंगे आज के